आओ अपनी ही बोली में हंसे मुस्कुराएं। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रकृति पंवार आप सबका जन सरोकार मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं आज अपना परिचय कुछ इस प्रकार देती हूँ कि शायरी के शहर में हैं हम नए, न रदीप का पता है न जाने काफ़ी है। शायरी के शहर में हैं हम नए, न रदीप का पता है न जाने काफ़ी है। लेकर के बूंदे नई ख्वाहिशों की उड़ने को निकले हैं नन्हे परिंदे। और आप जो भी मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही मैं सबसे पहले इस लाइव के लिए जन सरोकार मंच पर मुझे यहाँ एक अवसर देने के लिए देवेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ से जुड़ने के लिए। और जन सरोकार मंच के सभी सदस्य जो मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर अभी जो भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज की शुरुआत करती हूँ। तो जैसा कि आज आपको पता है कि आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस पर मैं आपको हिंदी पर ही एक अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाना चाहूँगी, जो कि एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाऊँगी हिंदी पर। तो कुछ इस प्रकार है कि सरलता सहजता सादगी से भरी अनूठी कृति है हिंदी। सरलता सहजता सादगी से भरी अनूठी कृति है हिंदी। अपनी जननी संस्कृत की सच्ची प्रकृति है हिंदी। सरलता सहजता सादगी से भरी अनूठी कृति है हिंदी। अपनी जननी संस्कृत की सच्ची प्रकृति है हिंदी। विचारों के संप्रेषण का भावानुकूल माध्यम है। युगों युगों से हिंदुस्तानियों की संस्कृति है हिंदी। युगों युगों से हिंदुस्तानियों की संस्कृति है हिंदी। और आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि मातृभाषा से प्रेम की अविरल अभिव्यक्ति है हिंदी। मातृभाषा से प्रेम की अविरल अभिव्यक्ति है हिंदी। भारत के जनजन के मन की अतुल्य शक्ति है हिंदी। मातृभाषा से प्रेम की अभिव्यक्ति है हिंदी। भारत के जन जन के मन की अतुल्य शक्ति है हिंदी। भारत माँ के भाल पर शोभित चमचम करती बिंदी है। भारत माँ के भाल पर शोभित चमचम करती बिंदी है। हिंदुस्तान के दिल में बसती देशभक्ति है हिंदी। ये मेरी कविता मैं हिंदी दिवस को समर्पित करती हूँ। मातृभाषा हमारी हिंदी को समर्पित करके मैंने ये कविता लिखी है। और आगे जो मेरी कविताएं हैं वो मतलब कुछ छोटे छोटे कोट्स हैं, कुछ कविताएं हैं। और जो मेरी ये कविता है वो है, उसका शीर्षक है प्रकृति। वैसे तो मेरा नाम प्रकृति है, पर जो मैं जिस प्रकृति की अभी बात कर रही हूँ वो प्रकृति है जिसने आपको बनाया है, हमें बनाया है। तो उसके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, और वो पंक्तियाँ कुछ उस प्रकार हैं कि बादलों के पर्दे से झांकता सूरज कहता है। बादलों के पर्दे से झांकता सूरज कहता है। प्रकृति कितनी खूबसूरत हो तुम। बादलों के पर्दे से झांकता सूरज कहता है। प्रकृति कितनी खूबसूरत हो तुम।
खुले आसमान में नाचता चिड़ियों का झुंड कहता है, खुले आसमान में नाचता चिड़ियों का झुंड कहता है, प्रकृति कितनी खूबसूरत हो तुम। बूंदों के बाद बादल सा बढ़ता इंद्रधनुष कहता है, बूंदों के बाद बादल सा बढ़ता इंद्रधनुष कहता है, प्रकृति कितनी खूबसूरत हो तुम। और अंतिम पंक्ति इस प्रकार है कि मिट्टी की सुगंध से हवाओं का बदला हुआ जायका कहता है, प्रकृति कितनी खूबसूरत हो तुम। और ये थी मेरी कविता प्राकृतिक वातावरण को समर्पित करते हुए, प्रकृति को समर्पित करते हुए। और अब जो मेरी दो पंक्तियाँ हैं, मैं मतलब जैसे कि कोट है दो लाइन का है, और ये मेरे अपने विचार हैं कि वो धर्म है साहब, वो धर्म है साहब उसे दिल में रहने दो, वो धर्म है साहब उसे दिल में रहने दो, दिमाग पर चढ़कर कहीं अधर्म ना हो जाए, दिमाग पर चढ़कर कहीं अधर्म ना हो जाए। ये मेरे कुछ अलग विचार हैं और मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आगे जो मेरी एक कविताएं हैं वो मतलब हमारे जीवन में जो एक तरीके से एक सबसे खूबसूरत एहसास होता है जो सभी महसूस करते हैं वो होता है प्रेम। और प्रेम में मेरे अपने विचार हैं कि प्रेम में कोई मंजिल नहीं होती जिस तक कि पहुंचा जाए, प्रेम में कोई मंजिल नहीं होती जिस तक कि पहुंचा जाए, यह सफ़र है, यह सफ़र है कई जज्बातों का। तो ये सब सोचकर मैंने आगे लिखा है कि आगे की जो मेरी पंक्तियां हैं ये मतलब मेरे इन्हीं विचारों पर है कि कुछ जज्बात होते नहीं जो बयां किए जाते हैं, कुछ जज्बात होते नहीं जो बयां किए जाते हैं, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, कुछ जज्बात होते नहीं जो बयां किए जाते हैं, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, नज़र की स्याही से लिखे जाते हैं, नज़र की स्याही से लिखे जाते हैं, धड़कन से पढ़े जाते हैं और दिल की धड़कन से पढ़े जाते हैं। इस प्रकार ये मेरी प्रेम पर कुछ विचार हैं। आगे जो है वो भी कुछ मेरा इसी प्रकार है कि यह गुफ्तगु हो ना हो, यह नजदीक मुझे तुमसे प्रेम रहेगा, मुझे तुमसे प्रेम रहेगा। मैं आगे कुछ ऐसे कि मैं लिखूंगी तुम्हें और इस कहानी को, चाहे अंत कुछ भी हो, चाहे अंत कुछ भी हो। ये थी मेरी कुछ कोट्स जो कि मैंने मेरे स्वयं के अपने मतलब अनुभव और विचारों को सोचते हुए लिखे थे। और एक मेरी कविता है जो मुझे बेहद पसंद है, जो कि प्रेम के कुछ अलग मायने बताती है। और ये जो कविता है वो, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमारे समाज में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने पिता से प्रेम करती है तो अच्छी बेटी कहलाती है, और अगर अपनी भाई से प्रेम करती है अच्छी बहन कहलाती है, पर जब वो अपने मित्र से प्रेम करती है तो सारा समाज उसे संशय की नज़र से देखता है, उसके चरित्र को संशय की नज़र से देखता है। तो यही सोच को रखते हुए इस ऐसे समाज लड़की की दोस्त उस सोच को रखते हुए वो लड़की जो कि अपने मित्र से क्या कहती है, वो ये कविता है कि
दोस्त दोस्त तुम रह जाओ ना दोस्त बनकर ही, दोस्त तुम रह जाओ ना दोस्त बनकर ही, क्या जरूरी है जमाने को कुछ साबित करना। दोस्त तुम रह जाओ ना दोस्त बनकर ही, क्या जरूरी है जमाने को कुछ साबित करना। दोस्त दोस्त तुम रह जाओ ना दोस्त बनकर ही, क्या जरूरी है मेरा तुम पर जिम्मेदारी बनना। दोस्त तुम रह जाओ ना दोस्त बनकर ही, क्या जरूरी है मेरा तुम पर जिम्मेदारी बनना। आगे कुछ ऐसे है कि दोस्त तुम रह जाओ ना दोस्त बनकर ही, क्या जरूरी है मेरा तुम्हें आप कह करके संबोधित करना। दोस्त तुम रह जाओ ना दोस्त बनकर ही, दोस्त तुम रह जाओ ना दोस्त बनकर ही, क्या जरूरी है हमारा किसी रिश्ते में बनना, क्या जरूरी है हमारा किसी रिश्ते में बंधना। ये और आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि तुम करण हो मेरे सुदामा हो, तुम करण हो मेरे सुदामा हो, क्यों जरूरी है मेरा तुम्हारी राधा बनना, क्यों जरूरी है मेरा तुम्हारी राधा बनना। तो ये मेरी कविता थी जो कि एक लड़के और लड़की की दोस्ती को हमारे समाज में जिस तरीके से देखा जाता है सोच को रखते हुए मैंने ये कविता लिखी थी। और आगे जो मेरी कविता है वो एक तरीके से हम आज देखते हैं कि जमाना एकदम पूरा परिवर्तित हो गया है। अब हम डायरेक्ट वीडियो कॉल करते, और एक ज़माना था जब हम चिट्ठियों में बातें किया करते थे। तो जो चिट्ठियों में हम बातें किया करते थे और आज हम मैसेंजर या सोशल नेटवर्किंग पे बातें करते हैं, इन जो डेटिंग ऐप्स से और चिट्ठियों तक का जो एक तरीके से हमारा चेंज है या परिवर्तन है, वो प्रेम क्या था और आज का प्रेम क्या है, इसको मेरी कविता बताती है। कि मेरी कविता ऐसे है कि कई सारी बातें और बिन मुलाकातें ही हम दोस्त बन गए, कई सारी बातें और बिन मुलाकातें ही हम दोस्त बन गए, बिना मिले ही जैसे हमारे दिल मिलने लगे थे। कई सारी बातें और बिन मुलाकातें ही हम दोस्त बन गए, बिना हमारे दिल मिलने लगे थे। माँ ने उन्हें मेरे लिए चुना और चिट्ठियों का यह हसीन सिलसिला शुरू हुआ। मेरी हर बात को वो समझने लगे इतना जितना कि मैं स्वयं को कभी नहीं समझ पाई। मेरी हर बात को समझने लगे जितना कि मैं स्वयं को न समझ पाई। अब हम चिट्ठियों की बात करते हैं कि उनकी पहली चिट्ठी में लिखा था, दिल की धड़कन को तुम्हारे पते पर भेज रहा हूं। चिट्ठी पढ़कर मेरा मन जैसे नाच उठा। फिर हमारी हर बात शायराना अंदाज में होने लगी। उन्होंने एक दिन कहा, तुम्हें सब पता है, तुम मेरी डायरी हो। उनकी हर बात मेरे मन पर छाप छोड़ने लगी थी। लगता था मानो इश्क बिन हिसाब के ही हो रहा है। एक दिन उन्होंने सवाल किया, प्रेम की तलाश मुझे तुमसे मिलकर पूरी सी लगती है। तुम्हें क्या लगता है? दिल मेरा ख्वाहिशों के साथ पंख लगाकर उड़ने लगा। मैंने जवाब में कई चिट्ठियां लिखकर फाड़ दी। सोचा कुछ बेहतर लिखूंगी। उनके सवाल ने जैसे नींदे ही रंग दी हो। वो तो जमाना था चिट्ठियों का। अब हम आज के जमाने की बात करते हैं कि वो जमाना चिट्ठियों का था। सब्र लहर की तरह चिट्ठी के जवाब में ठहरा रहता था। आज हम क्या करते हैं कि आज हम मैसेज भेजकर डिलीट करने लगे हैं।
मतलब हम मैसेज भेजकर रिसीव होने से पहले भी जो डिलीट का ऑप्शन है वो कर देते कि हम मैसेज आज हम मैसेज भेजकर डिलीट करने लगे हैं, डिलीवर भी नहीं होने देते। ब्लू टिक पर रिप्लाई ना आए तो लड़ने लगे, मतलब कि ब्लू टिक मतलब कि सीन मैसेज पर हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा तो हम लड़ने लगे, आज हम मैसेज भेजकर डिलीट करने लगे हैं, ब्लू टिक पर रिप्लाई ना आए तो लड़ने लगे हैं। अब खास मुलाकातें आगे कुछ ऐसे है कि अब खास मुलाकातें भी आम लगने लगी हैं, अब खास मुलाकातें भी आम लगने लगी हैं, अब प्रेम भी जैसे, अब प्रेम भी जैसे काम लगने लगा है, अब प्रेम भी जैसे काम लगने लगा है। तो ये मेरी कविता थी चिट्ठियों का प्रेम, और आपको मेरी कविता अगर पसंद आई हो ज़रूर आप मुझे लाइक करें और कमेंट भी आप कमेंट करें, मैं बिल्कुल आपका बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। आप कमेंट करें इस पर और वीडियो लाइक करें। अब जो मेरी आगे की कविता है, मतलब ये तो हमारा एक जैसे हम कहें कि मैंने प्रेम पर लिखी थी, अब आगे की जो मेरी कविता है वो देश प्रेम पर है। और देश प्रेम पर आपने काफ़ी कविताएं सुनी होंगी, पर ये जो मेरी कविता है वो हमारे भारत की संस्कृति को बताती है। हम भारत में देखते हैं, अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें एक अलग संस्कृति दिखती, अलग अलग राज्य की हमें अलग अलग संस्कृति दिखती है, और हम कहीं पर भी जाएं वो संस्कृति हमें, चाहे वो हमारे किसी में भी हो, चाहे हमारे कल्चर, हमारे ड्रेस, किसी में भी हमारी वो संस्कृति हमें दिखाई देती। तो उस संस्कृति को सोचते हुए कि जो भारत है वो कैसे अनेकता में एकता रखता है, उसको सोचते हुए मैंने ये मेरी कविता लिखी है कि जहाँ, कविता कुछ ऐसी है कि जहाँ लिट्टी चोखा का जायका, जहाँ लिट्टी चोखा का जायका दाल बाटी से जुड़ जाता है, जहाँ लिट्टी चोखा का जायका दाल बाटी से जुड़ जाता है, और बंगाली रसगुल्ले को जहाँ, और बंगाली रसगुल्ले को जहाँ इंदौरी पोहे की थाली में सजाया जाता है, जहाँ लिट्टी चोखा का जायका दाल बाटी से जुड़ जाता है, और जहाँ बंगाली रसगुल्ले को इंदौरी पोहे की थाली में सजाया जाता है, यह भारत है जनाब, यह भारत है जनाब, यहाँ सब कुछ एक नजर आता है। तो मेरी कविता इसी इस संस्कृति को लेकर चलती है कि भारत है जनाब, यहाँ सब कुछ एक नजर आता है, चाहे इसमें कितनी भी अनेकताएं हो पर हम कैसे एक हैं, मेरी कविता इसको बताती है। तो आगे की पंक्तियां ऐसे हैं कि जहाँ हिंदू दरगाह पर सर झुकाता है, जहाँ हिंदू दरगाह पर सर झुकाता है, और मुस्लिम जहाँ मीरा के भजन सुनाता है, जहाँ हिंदू दरगाह पर सर झुकाता है और मुस्लिम जहाँ मीरा के भजन सुनाता है, यह भारत है जनाब यहाँ सब कुछ एक नजर आता है। जहाँ साड़ी पहनकर कोई भंगड़ा पाता है, जहाँ साड़ी पहनकर कोई भंगड़ा पाता है और धोती कुर्ता में सत श्री अकाल कह जाता है, यह भारत है जनाब, यहाँ सब कुछ एक नजर आता है। और जहाँ कथक को बॉलीवुड गानों से सजाया जाता है, जहाँ कथक को बॉलीवुड गानों से सजाया जाता है, और पगड़ी पहनकर कोई कश्मीरी गीत गाता है, और पगड़ी पहनकर कोई कश्मीरी गीत गाता है, यह भारत है जनाब, यहाँ सब कुछ एक नजर आता है। और
आगे की पंक्तियां कुछ ऐसे हैं कि जहां जहां हिंदी को उर्दू लहजे में पिरोया जाता है, जहां हिंदी को उर्दू लहजे में पिरोया जाता है, और तमिल फिल्मों पर राजस्थानी भी सीटी बजाता है, यह भारत है जनाब, यहाँ सब कुछ एक नजर आता है। जहां जहां कविता और शायरी को जहां कविता और शायरी को एक मंच पर सुनाया जाता है जहां कविता और शायरी को एक मंच पर सुनाया जाता है, और बनारस घाट पर कोई लखनवी कुर्ता पहनकर और बनारस घाट पर कोई लखनवी कुर्ता पहनकर तस्वीर खिंचाता है, यह भारत है जनाब, यहाँ सब कुछ एक नजर आता है। और अंतिम पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि जब जब आसमान में तिरंगा लहराता है, जब जब आसमान में तिरंगा लहराता है, तो हर भारतीय को हर भारतीय को तिरंगे में स्वयं और स्वयं में तिरंगा नजर आता है। जब जब आसमान में तिरंगा लहराता है, तो हर भारतीय को तिरंगे में स्वयं और स्वयं में तिरंगा नजर आता है। यही तो भारत है जनाब, यहाँ सब कुछ एक हो जाता है। यही तो भारत है जनाब, यहाँ सब कुछ एक हो जाता है। ये थी मेरी कुछ कविताएं, और मुझे लगता है आपको पसंद आई होंगी। और आगे जो एक मैं आपको एक लेख सुनाऊंगी जो मेरे अनुभवों को सोचते हुए मैंने बहुत दिल से उसे लिखा है। मुझे लगता है बात दिल तक पहुंचेगी। और इसका शीर्षक है एक और वायरस। जहाँ हमारे समाज में हम एक वायरस से जूझ रहे हैं, और उसको ख़त्म करने के लिए और उससे बचने के लिए, उसके संक्रमण से बचने के लिए सारा देश कार्य कर रहा है, उस देश में और उस समाज में मैं बताना चाहूंगी कितने और वायरस हैं जो हमारे अंदर अभी हैं, जिनसे हम न जाति न धर्म न कोई क्षेत्र न कोई राज्य अनछुआ है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ परसेंट में वो वायरस है, और उस वायरस के बारे में मैंने लाइनें लिखी हैं आपको। एक लेख है कि ईश्वर ने कुछ ऐसे है कि ईश्वर ने तुम्हें मर्द बनाया और हमें औरत, ईश्वर ने तुम्हें मर्द बनाया और हमें औरत, तुम्हें टेस्टोस्टेरोन दिया और हमें एस्ट्रोजन, ईश्वर ने तुम्हें मर्द बनाया और हमें औरत, तुम्हें टेस्टोस्टेरोन दिया और हमें एस्ट्रोजन, तुम्हें शारीरिक शक्ति अधिक दी और हमें सहन शक्ति अधिक, तुम बचपन से ही अधिक भार उठाना जानते थे, तुम बचपन से ही अधिक भार उठाना जानते थे, और हम पीरियड के दर्द से बचपन से ही रूबरू हो जाते थे। तुम्हारा बाहरी कुछ कार्यों में कुशल बनने पर ध्यान केंद्रित था, और हमारा घरेलू कार्यों में। तुम कुछ अधूरे से हो और हम भी कुछ आधे से हैं, पर कल्पना कीजिए कि अब इन परिवर्तनों के अतिरिक्त, ये जो मैंने कुछ परिवर्तन बताए हैं एक मर्द में और एक औरत में, इन परिवर्तनों के अतिरिक्त सृष्टि कुछ ऐसे परिवर्तित हो जाए। ये एक मेरी कल्पना है कि तुम्हारे मतलब कि पुरुष के भ्रूणीय अस्तित्व को तुम्हारे भ्रूणीय अस्तित्व को ही खत्म करने का प्रयत्न कुछ लोग करें, या फिर बेटे के पैदा होने पर दादी नानियों को दुख हो जाए, तुम्हारे भ्रूणीय अस्तित्व को खत्म करने का प्रयत्न कुछ लोग करें या फिर बेटे के पैदा होने पर दादी नानियों को दुख हो जाए, बेटा पैदा होने पर पिता को उसकी कमियों का एहसास कराया जाए।
मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए। तुम्हें बचपन से ही गिलास में कम दूध मिले और हमें ज्यादा। हमारे मतलब कि लड़कियों के शराब पीने पर, हमारे शराब पीने पर लीवर खराब हो, पर तुम अगर शराब के हाथ भी लगाओ तो तुम्हारे चरित्र पर बात आ जाए। और रात को तुम्हारे बाहर निकलने पर समाज व माता पिता की पाबंदियां हों। और हम रात भर बाहर रहे तो हमें बड़प्पन व समझदारी के ओहदे से नवाजा जाए कि लड़की तो समझदार हो रही है। अगर बाय चांस तुम बाहर रह भी गए तो भी तुम्हें यही डर सताता रहे कि सड़क, बस, ट्रेन में कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और यदि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तो सभी तुम्हें ही दोषी ठहराएं और बताएं कि तुम्हें कैसे कपड़े पहनकर कितने बजे बाहर निकलना चाहिए था, और तुम्हारे कपड़े पहनने पर ही पाबंदियां हों, मतलब कि तुम्हारे कपड़े पर ही पाबंदियां हों, और हम चाहे शॉर्ट्स में दुनिया घुमाएं, और शादी के बाद तो बस धोती कुर्ता ही पहनना है, यह फरमान जारी हो जाए। नहीं तो अगर आपने नहीं पहना धोती कुर्ता तो पत्नी व सास नाराज हो जाएं। और तुम्हें लड़की वाले देखने आए और तुम्हारी काबिलियत को नज़रअंदाज किए हुए वह बस सुंदरता के स्केल पर तुम्हें कम नंबर देकर अस्वीकार कर दें। और यदि तुम्हारा विवाह हो जाए और यदि तुम्हारा विवाह हो जाए तो दहेज के कारण तुम्हारे माता पिता कर्ज में डूब जाएं। और तुम्हारी नौकरी की कोई कीमत ना हो, जैसे कि आज भी होता है। हम एक हाउसवाइफ को या हाउसमेकर को ऐसे देखते हैं कि हम बोलते हैं कि तुम करती क्या हो घर पे, तुम कोई काम थोड़ी करती हो। जैसे हमारे दिमाग में इतने ज़रूरी काम की कोई कीमत नहीं है, उस तरीके से अगर समाज परिवर्तित हो और तुम अगर नौकरी करो, यानी कि पुरुष की नौकरी की कोई कीमत ना हो, ना घर में ना समाज में, बस घर संभालना व खाना बनाना बड़ा कार्य समझा जाए। और यदि तुम घर संभालने व खाना बनाने के गुण सीखना भी चाहो तो समाज की संकीर्ण सोच एक दीवार बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए। नहीं, जैसे कि आज है कि लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती हैं, वैसे अगर तुम घर संभालना सीखना चाहो, खाना बनाना सीखना चाहो, तो उसकी समाज की संकीर्ण सोच दीवार बन के तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए। और फिर देवता की तरह तुम्हें पूजा जाए, ठीक है? फिर देवता की तरह तुम्हें पूजा जाए और आरक्षण देकर बराबरी का झूठा झंडा फहराया जाए। तो जेंट्स फर्स्ट कहकर गाड़ी का दरवाजा हम भी खोल देंगे। जेंट्स फर्स्ट कहकर गाड़ी का दरवाजा हम भी खोल देंगे तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए बस की सीट भी छोड़ देंगे। परंतु क्या फिर तुम तैयार हो इस दुनिया के लिए? तो फिर हम कैसे तैयार होंगे? सुनने में ये कितनी भयावह और अजीब है ये दुनिया, पर हम जी रहे हैं इस दुनिया को, कभी मुस्कुराते हुए, कभी डरते हुए, कभी चौकन्ने होकर और कभी घुटते हुए। हम नहीं कहते कि दुनिया कुछ इस तरीके की हो, दूध तुम्हारे और हमारे गिलास में बराबर ही होना चाहिए। शराब पीने वो सिगरेट फूंकने पर हम दोनों के ही लीवर या लंग खराब होने चाहिए, या फिर दोनों के ही चरित्र पर बात उठनी चाहिए। शराब पीने पर दोनों के ही लीवर खराब होने चाहिए, दोनों के ही चरित्र पर बात उठनी चाहिए।
और गलत किसी के भी साथ हो, गलत किसी के भी साथ हो, समाज को सिर्फ गलत करने वाला ही दोषी लगना चाहिए, ना कि गलत सहने वाला। और मैं ये कहना चाहूंगी सभी को, जो चाहे वो मर्द हो या औरत, कि अपनी सोच को मानवता के सैनिटाइजर से धो लीजिए, अपनी सोच को मानवता के सैनिटाइजर से धो लीजिए। शर्म के पर्दे दूसरों की आंखों में खोजने के बजाय स्वयं की आंखों में रख लीजिए, और सभी के संरक्षक बनने की बजाय, सभी के संरक्षक बनने की बजाय स्वयं को व समाज को इस पुरुष सत्ता के वायरस से, उस पुरुष सत्ता के वायरस के संक्रमण से बचा लीजिए। ये थे मेरा लेख एक और वायरस, और मुझे लगता है आपको ज़रूर मेरी बात समझ आई होगी। ये मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आपने अगर इसको समझा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस पर मैं कुछ बात है जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपनी, आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, एक दिन को हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, यहाँ पर हम हर बात को हिंदी में बोलेंगे, हर हमारी पोस्ट को हिंदी में लिख देंगे और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे देंगे। हिंदी दिवस इतना आसान नहीं है, हिंदी दिवस इससे कई आगे है। आप अपनी कमज़ोर हिंदी को लेकर के खुश मत होया करिए, कि आप अपनी कमज़ोर हिंदी को लेकर गौरवान्वित होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हमें तो हिंदी इतनी नहीं आती है, और हमारा बच्चा तो अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ता है, उसे हिंदी इतनी नहीं आती है। तो ऐसे तो कभी हिंदी दिवस को एक दिन नहीं है, आप अपनी मातृभाषा समझिए हिंदी को, आप अनेक भाषाएं सीखिए, पर हिंदी को अपनी आम, मतलब अपनी सरलता और सहजता को हिंदी रखिए, आपस में हिंदी बोलिए, और हिंदी सीखने पर गौरवान्वित महसूस करिए, हिंदी बोलने पर गौरवान्वित महसूस करिए। और अनेक भाषाएं सीखने के लिए होती है, सब कुछ सीखने के लिए होता है, हमें सीखना चाहिए। और यही है कि हम हिंदी, हिंदी एक संस्कृति हमारी हिंदी है, और साथ ही जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, हम आज समाज में आगे बढ़ रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम हमारी संस्कृति को लेकर ना कहीं बाहर, ना हमारे देश में कभी हम कभी इसको गौरव से कह पाते, ना हम बदल रहे हैं, हम परिवर्तित हो रहे हैं। परिवर्तन जीवन में ज़रूरी है, पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी संस्कृति को अपनाइए, और साथ ही उस संस्कृति के लिए शर्म महसूस मत कीजिए। क्योंकि देखिए, मतलब मेरा अपना मानना है कि आप हिप हॉप और मून वॉक करिए, पर अपने थिरकते पैरों को कभी कथक के घुंघरू भी पहनाइए। गिटार को बजाइए, सीखिए गिटार, पर सितार की अहमियत को समझिए। और पहनिए जीन्स शर्ट, पर पारंपरिक परिधान को भी, आपकी खूबसूरती को भी अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि अपनी संस्कृति से प्रेम करना जहाँ बहुत ज़रूरी है, साथ ही आपकी संस्कृति आपको एक अलग अनुभव देती है अगर हम उससे जुड़ते हैं तो। चाहे हम कहीं पर भी हों, चाहे हम बाहर हों, यहाँ पर हों, तो मेरा आपसे निवेदन है, अपनी संस्कृति को समझिए, उसे सीखने का प्रयास कीजिए, जो उसकी सुंदरता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये थी मेरी कुछ बातें जो हिंदी दिवस पर थी, मेरी कुछ कविताएं थी। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने भी मुझे सुना, और साथ ही मैं देवेंद्र सर का दोबारा से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, और कि मुझे इतना अच्छा मौका दिया उन्होंने यहाँ पर बोलने का। और मैं उनके लिए दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि जो उनका व्यक्तित्व है, आप खैर सभी परिचित हैं, पर मैं उनके व्यक्तित्व के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि सहजता,